सो गाइस हम लोग अभी तलाव दरवाजे पे आए हैं। ये चौक पे आपको क्या क्या मिलेगा आपके इधर, क्या क्या फेमस है? मोचा मिलता है, सैंडविच पकौड़ा मिलता है, कुकरा मिलता है। यहाँ की फेमस आइटम कुकरा, सुरती लोचा। सुरती लोचा तो यहाँ का फेमस है, सुरती लोचा कुकरा मिलता है और सैंडविच, सैंडविच पकौड़ा, सैंडविच पकौड़ा मिलता है। तो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ये है सुरती लोचा ना। सो ये क्या चीज़ रहता है? ये इसका रॉकिंग आता है, चने की दाल का, चने की दाल का। मैडम लोचा, लोचा देखिए लाइट वास, स्पून वास हमें दे। तो ये देखो, ये हमारा प्लेट, एक प्लेट सुरती लोचा आ गया। तो वैसे चने का दाल का बनता है सुरती लोचा, इसके साथ में तीखा और मीठा चटनी और ऊपर से सेव डाल के दिए। अच्छा, ये काफ़ी टेस्ट इसका अच्छा है और हम फर्स्ट टाइम खा रही है, कुछ नया खाने को मिला है। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, हम देखे कि बहुत भीड़ है इसके लिए। और ये यहाँ का फेमस डिश है, अच्छा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्रेस करूँ। फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ तो मतलब मेरे को चटनी का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। ये लोचा का इतना तो ये थोड़ा बहुत ढोकले जैसे लग रहा है, ये चने के दाल का, बट हल्का सा ढोकले वाला फ्लेवर है, तो फर्मेंटेशन वाला फ्लेवर है, फर्मेंटेशन वाला फ्लेवर है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई किया है और ये अच्छा है, थम्स अप। तो अभी हम घुंगरा खाने वाले हैं भाई, एक प्लेट घुंगरा बना दो। घुंगरा बना दो। तो हमने दो चीज़ ऑर्डर की थी, एक तो ये लोचा और एक घुघरा। घुघरा एक्चुअली करण जी के शेप का ही होता है, बट यहाँ पे इसकी आलू की फिलिंग होती है। तो वो हमारा अभी तो आ रहा है, रेडी हो रहा है। अब तक हमने लोचा खाया, लेट्स सी वो भी कैसा है। काफ़ी फेमस चीज़ है ये यहाँ पे। तो अभी हमारा सेकंड डिश आ गया है, ये है घुघरा। हाँ, घुघरा, इसके ऊपर मीठी चटनी और एक ग्रीन कलर का मिर्ची का चटनी है और शेव वगैरह डाले ऊपर। देखने को एकदम टेम्पटिंग लग रहा है ये। और इसके अंदर आलू का फिलिंग है, मतलब समोसा ही हो गया, करण जी शेप में समोसा है। और इसके पहले जो हमने खाया था सुरती लोचा, वो सूरत का फेमस डिश है वो, और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था वो भी। तो ये देखो, करण जी की शेप में समोसा है। अच्छा, हमारे इधर मुंबई में कचौरी खाते हैं ना, इसका टेस्ट वैसे चटनी वगैरह डाल के ऊपर से शेव वगैरह डाल के कचौरी जैसा बनाया, पर इसके अंदर आलू फिलिंग है। तो ये कचौरी और समोसे का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ। और अच्छा लग रहा है, बहुत क्रिस्पी है ना बाहर का लेयर। और समोसा तो मेरा एनी टाइम फेवरेट है। ठीक है, चलो फिर खा के मिलते हैं। और ये शॉप में बहुत बहुत रश थी, और ये तलाव गेट के पास ही है। अच्छा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। बॉम्बे में ऐसा मिलता है? नहीं, बॉम्बे में तो ऐसा नहीं मिलता, नहीं मिलता। हमारे तरफ कचौरी मिलता है, कचौरी बड़ा बहुत फेमस है हमारे इधर का। सो ये देखो, ये शॉप में हमने अभी घुघरा और लोचा खाए। 20 रुपीज़ का सुरती लोचा था और 25 रुपीज़ का घुघरा, बहुत ही यमी और टेस्टी था गाइस। सो जो भी जूनागढ़ आ रहे हैं ये एक बार ट्राई करना, कोई नया डिश हमने आज खाया है। सो गाइस, हम लोग आज का डिनर करने वाले हैं भाव वाली थाली।
सो ये सदर बाग जू के सामने ही है पटेल रेस्टोरेंट, ये ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे मिलती है पाव वाली थाली जिसमें 35 आइटम्स मिलती है विद बटर मिल्क। सो लेट्स सी क्या क्या मिलेगा। उस तरफ चले जाते तो आज हमारा चैलेंज है क्या, 6 जन मिलके बाहुबली थाली खत्म कर देंगे। यो भी है 7 जन, 7 जन ओके, एक हाफ टिकट है हमारे। हाय यो भी आज खाने का बाहुबली जैसा खाने का ओके। तो गाइस आपको यहाँ पे पाव वाली थाली खाने के पहले कुछ आइटम्स मिलता है, जैसा हमारे यहाँ पे चाइनीज के साथ ड्राई नूडल्स मिलता है, यहाँ पे फ्राइज मिलते हैं घुंगड़ा। तो पर इसे नहीं खाना है बिकॉज हमें पाव वाली थाली खानी है। अगर ये खा लेंगे तो पाव वाली थाली पता नहीं खा पाएगी या नहीं, सो ये नहीं खाना है। तो मैं सबको बोल रही हूँ ये मत खाओ, फिर भी सब खा रहे हैं, मत खाओ बाहुबली थाली खाने की। उसी का एक पार्ट है ये। नहीं ये इंक्लूडिंग नहीं है, इसी से होती है। उसमें और 35 चीजें आएगी। 36 पकड़ ले। ये तो लियोनार्डो टाइटैनिक वाला, लियोनार्डो को फोटो है देखो बाहुबली में। सो गाइस ये हमारी बाहुबली थाली, बाहुबली थाली। ओह गॉड पता नहीं इतना हम कब खा पाएंगे क्योंकि ना हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दो दो सब्जी है, दो दाल है, पुलाव है, दो दो दाल भी है, दो दो दाल है। ये सेव टमाटर लग रहा है, फ्लावर का पनीर, दाल, वाइट राइस, पता नहीं क्या है, कौन से कौन से डिश है, सेव टमाटर बोलते हैं इसको, गुजराती सब्जी इसको है, गोभी होता ना, पनीर बटर मसाला है, वेजिटेबल मिक्स, काजू का सब्जी है, अच्छा, और पालक का मंचूरियन ड्राई कटलेट सब्जी है, इसको बोलते हैं समोसा, हरा भरा कबाब, स्प्रिंग रोल, वेज रायता, और ये रशियन सलाड है, ग्रीन सलाड, ओनियन, करेला मिर्च, स्टफ मिर्च बोलते हैं इसको, और ये है चटनी, ग्रीन चटनी, शेजवान चटनी, और वो बटर स्कॉच हलवा है, बटर स्कॉच और गुलाब जामुन। थैंक यू। सो ये थी हमारी बाहुबली थाली, चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइस रेडी? यस रेडी। यू बी रेडी? व्हाट इज योर फेवरेट थिंग? व्हाट इज दैट? मंचूरियन, जामुन, वाओ। सो गाइस सब लोग पेट एकदम भर भर के खाने के बाद भी इतना कुछ बच चुका है, सब्जी है ना, डबल पेट करके खाया। हाँ कैसा था अंकल खाना? नहीं बहुत बढ़िया खाना था सही में, डबल पेट करके खाया था ना सब, बहुत अच्छा था, ऑसम फूड।
आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा? मुझे तो ये बटर स्कॉच हलवा और पनीर का सब्जी बहुत अच्छा, रशियन सलाद और एक नई वैरायटी है। सो व्हाट अबाउट यू? मुझे ये मिर्ची बहुत अच्छी लगी। नहीं, मिर्ची भी अच्छा था, मिर्ची अच्छा था, वो समोसा जो ना समोसा रोल दिया था वो भी बहुत अच्छा अच्छा है, खाना बहुत अच्छा, सब डिश अच्छा था, ऐसा कोई भी डिश ऐसा ये नहीं कि मस्ट ट्राई। सात आठ लोग नहीं बोल सकते, छः लोग अगर अच्छे से खाने वाले थोड़ी तो छः लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा पेट खाली रखते हैं। सो गाइस, थाली बहुत ही अमेजिंग थी और हम लोग छः लोग थे और हम लोग ने पेट भर के खा लिया, फिर भी थोड़ा सा बच गया। सो गाइस, ये हाईली रिकमेंड, अगर आप कभी भी जूनागढ़ आ रहे हो तो यू मस्ट ट्राई दिस थाली। आप अगर ग्रुप में हो तो वेल एंड गुड, अगर आप चार लोग की कैपेसिटी अच्छी है खाने की तो भी बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करो। कॉस्ट इज़ ओनली 1200 रुपीज़ और 35 आइटम्स है।